एवरीवन, लेट मी टेल यू बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं अभी जस्ट वीडियो एडिट कर रही थी और मैं देख रही थी तो बैकग्राउंड में ना गाड़ियों की बहुत आवाज़ आ रही है, तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मैनेज कर लेना यार। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सौम्या और लेट्स मेक गेट रेडी विद मी आज, क्योंकि आज मेरे पास बहुत टाइम है वीडियो बनाने के लिए। मेरी क्लास 2 बजे से है तो सुबह सुबह का टाइमिंग नहीं है, तो आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर हेयर स्टाइल। अभी मैं बताती हूँ मैंने क्या करा है। मैंने जस्ट मिडिल पार्टीशन करा है, पोनी बांध दिए, फिर ब्रेड कर लिए। नॉर्मल हम सब करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट कि हम फ्रंट स्टाइलिंग कैसे करते हैं। ओके, ये मेरे फ्रिंजेस की वजह से मैंने इनको आगे कर रखा है। मतलब आई विल डिसाइड कि मेरे को अपनी फ्रिंजेस रखनी है कि मैं उनको ऐसे साइड ही करूँगी, क्योंकि अब मेरा मन है कि मैं फ्रिंजेस नहीं रखूँ। ओके, सो दिस इज़ अ ब्रेड नकली वाली एंड वी विल फिक्स इट हियर। फाइन, एक इसमें से डालेंगे, इसको फिक्स करेंगे एंड वी विल ब्रिंग इट हियर लाइक दिस, ऐसे करके। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फाइन, ऐसे करके हम इसको एडजस्ट कर देंगे। तो लेट्स डू इट। दिस इज़ हाउ आई मेड इट, लाइक सी, यू कैन सी। फाइन, अब ये जो बाल हैं, जो ब्रेड है, इसका मैं गोल 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 घुमा के जूड़ा बना दूँगी एंड दैट्स इट। दिस इज़ हाउ आई मेक माई जूड़ा, दिस इज़ हाउ वी मेक आर जूड़ा। दो तीन स्टाइल और है जूड़े के, सबसे ईजी वाला अगेन दिस इज़ द ईजीएस्ट वन। दैट्स वाई आई जनरली डू दिस, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करना तो वैसे ही नहीं पसंद ना व्हेन इट कम्स टू ग्रूमिंग एंड ऑल। फाइन, आई एम डन विद माई जूड़ा, जूड़ा हो गया। इसके बाद मैं बाहर से नेट लगा दूंगी, जूड़ा नेट, वो अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर मेकअप। सबसे पहले आई यूज़ दिस ओले का नेचुरल वाइट इंस्टेंट ग्लोइंग फेयरनेस क्रीम विद यूवी प्रोटेक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको यूज़ करूँगी। नाउ आई यूज़ प्राइमर, ब्लू एवन का प्राइमर। बिफोर दैट आई यूज़ दिस। मेकअप के प्रोडक्ट्स मैं आपको सारे बताऊंगी मैं कौन से यूज़ कर रही हूँ। ब्लू एवन का प्राइमर, ओके, दिस इज ऑफ माई फ्रेंड निशा, ये निशा का है। आई विल यूज़ प्राइमर टू प्राइम एंड टू फिल द पोर्स इन माई फेस। आज लेट मी टेल यू, आई विल नॉट यूज़ फाउंडेशन, बिकॉज मैंने फाउंडेशन आजकल मैं यूज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं। मैं जस्ट कंसीलर यूज़ करती हूँ एंड दैट्स इट। आई डोंट यूज़ प्राइमर एट ऑल। देन आई विल गो विद द इनसाइड का कंसीलर, कलर करेक्टर। इट्स नॉट अ कंसीलर, इट्स अ कलर करेक्टर। ये डब्बा मुझसे नहीं खुल रहा है, मेरे हाथ फिसल रहे हैं। आई डोंट नो वॉट इज रॉन्ग विद दिस। ओके, बेइज्जती करवा रहा है भाई, तू क्या कर रहा है। बहुत मुशक्कतों के बाद ये डब्बा खुल गया, इसका ढक्कन। ओके, आई यूज दिस कलर करेक्टर टू कंसील माय डार्क सर्कल्स। ओके, लेट मी नॉट स्पीक राइट नाउ। ओके, सो दीज आर द डार्क स्पॉट्स और डार्क एरियाज ऑफ माय फेस। बाकी तो मेरे स्किन में ऐसा अनइवन टोन है नहीं, ठीक ही है, टच। ओके, नाउ आई यूज़ द कंसीलर, स्विस ब्यूटी का कंसीलर आई यूज़, उसका ही करती हूँ मैं शुरू से अभी तक। ओके, लेट्स फाइन, दीज आर द एरियाज वेयर आई यूज़ कंसीलर। लेट्स स्टार्ट ब्लेंडिंग इट। सबसे पहले लुक, मैं आगे शीशे में देख के ब्लेंड कर रही हूँ तो प्लीज मैनेज। नाउ आई यूज दिस लूज पाउडर टू फिक्स माई और टू सेट माई व्हाट वी से कंसीलर। इससे मैं सेट करूँगी, इससे मैंने लिया एंड आई लाइक प्लेस इट अंडर माई आईज। इसको प्लेस करके छोड़ दो, इट विल टेक दम सम टाइम टू सेट। ठीक है, इसको फेस में लगाने के बाद इसको थोड़ी देर छोड़ दो, ये ऐसे सेट नहीं होता है, इट टेक्स टाइम टू सेट।
लास्ट टाइम टू डू द आई शेडो पार्ट, इसलिए मैंने थोड़ा जूम कर लिया है, थोड़ा आपको क्लियर दिखे. आई यूज दिस मिरर टू ब्लेंड माई आई शेडो एंड टू अप्लाई. फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज दिस इनसाइट का आईब्रो पेंसिल टू फिल माई आईब्रोज, बिकॉज आईब्रोज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने आईब्रोज बहुत अच्छे से भरी है ना, आपका मेकअप लुक इतना इन्हांस हो जाता है, आई कैन टेल यू. सो मेकअप में आईब्रो फिलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. लेट मी डू इट. ओके, सो मैंने अपनी आईब्रोज भी कर दी हैं. नाउ आई यूज स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट शेड नंबर 05 फॉर माई आई मेकअप. यस, आई यूज दिस शेड फर्स्ट, ये वाला शेड पहले, लाइट वाला, देन आई यूज डार्क ब्राउन शेड, देन आई यूज ब्लैक शेड. सबसे पहले जो लाइट ब्राउन शेड था आई यूज दैट. You can see, now I use dark shade. डार्क शेड को ना हल्का नीचे नीचे लगाऊंगी, जितना ऊपर मैंने लाइट ब्राउन शेड लगाया उतना नहीं लगाऊंगी, उसके नीचे नीचे लगाऊंगी थोड़ा. All good? After applying this, I'll use a black shade. ठीक है, अपने सबसे नीचे वाली लाइन में, जहाँ पे मैं लाइनर लगाते हैं ना, उधर पे यूज़ करूँगी मैं ब्लैक वाला शेड. ओके, आई डिड इट, लाइक यू कैन सी, मैंने यहाँ पे ब्लैक लाइनर को, लाइनर नॉट, आई शेडो को एज अ लाइनर लगाया और थोड़ा उसको यहाँ पर से ब्लेंड कर दिया ऊपर से, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई है. सो वो थोड़ा नेचुरल लगी, मतलब नेचुरल इन द सेंस, नेचुरल तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, नेचुरल लगे, मतलब ऐसा ना लगे कि हाँ इसने लाइनर लगा रखे, फिर ऐसा कुछ वो लगे कि ओके फाइन इट्स अ पार्ट ऑफ मेकअप, क्योंकि हमारे मेकअप में आई लाइनर नहीं है, वी आर नॉट अलाउड टू यूज़ आई लाइनर, सो दैट्स द रीज़न. नाउ फाइन, आई विल रिमूव दिस. जो मैंने पाउडर सेट करा था इतनी देर से, कंसीलर सेट होने को रखा हुआ था. फाइन, दिस इज हाउ आई विल रिमूव दिस पाउडर, और उसके बाद मैं उसको अपने फेस में ब्लेंड कर लूँगी इस पाउडर को. आई विल यूज ब्लश नाउ, फेसेस कैंडा का ब्लश आई यूज. ओके, आई यूज दिस ब्रश टू अप्लाई द ब्लश. फाइन. ओके, आई एम डन विद ब्लश. ब्लश लगाने के बाद आई यूज हाईलाइटर, मेबेलिन का हाईलाइटर आई यूज. बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. आई यूज फैन ब्रश टू अप्लाई द हाईलाइटर. Bridge of my nose, again cheekbones, forehead, and the best part about highlighting is I like to highlight my eyebrows. मुझे eyebrow को highlight करना बहुत ज़्यादा पसंद है, like बहुत ही ज़्यादा. I can't tell you मुझे कितना पसंद है. I'll use this fan brush to highlight my eyebrows. इट लुक सो गुड यार. देखो आईब्रोज के वहाँ पे हाईलाइटिंग कितना प्यारा लगता है. अगर आपके ऐसे शार्प आईब्रो है ना, लाइक उठी हुई तीखी तीखी सी, इट विल लुक अमेजिंग. ऑल्दो इट लुक्स गुड इन एवरी शेप ऑफ आईब्रोज, तो हाईलाइटिंग योर आईब्रोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस पार्ट. बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा. देन फाइनली आई अप्लाई माई लिपस्टिक. स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक है, द क्रेन बेरीज है का नाम. Yes, and the shade number is 29. Hold me matte, Swiss Beauty. I'll use this lipstick. जिससे मैं लगता है कि खून चूस के आई हूँ, but it's a nice shade, I would say. Done. This is how our makeup looks like. And at last, I'll use makeup fixer of Swiss Beauty. स्विस ब्यूटी का मेरे पास बहुत सारा सामान है, बिकॉज आई लव. मेरी आई शेडो पैलेट भी उसी की है, मेरा कंसीलर भी उसका है, मेरा लिपस्टिक भी, मेरा मेकअप फिक्सर भी उसी का है. सारा स्विस ब्यूटी है मेरे पास. आई लाइक स्विस ब्यूटी. आई यूज दिस
टू फिक्स माय मेकअप. लिपस्टिक तो मैंने अभी भी लगाई है बट ओके फाइन, मूड रख देती हूँ. दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज, दिस इज़ हाउ वी डू आर मेकअप. लाइक मैंने तो फाउंडेशन नहीं लगाया है बिकॉज मुझे नीड नहीं है, बट जिनको है दे विल यूज़ द फाउंडेशन, क्योंकि जिनके बहुत लोग के यहाँ पे स्कार्स वगैरह होते हैं, फिर छोटे छोटे दाग वगैरह होते हैं, तो वो लोग यूज़ करेंगे कंसीलर एंड फाउंडेशन बोथ. बट मेरे उसमें ऐसा कुछ है नहीं और मेरा मूड ठीक ही लगता है बिना फाउंडेशन के भी, लाइक तो इतना मुझे तो कुछ ज़रूरत नहीं है, तो मैं लगाती भी नहीं हूँ फालतू. आई डोंट मेकअप रिमूव करते टाइम आई विल टेल यू व्हेन आई रिमूव माय मेकअप विद द मेकअप रिमूवर, इतना मेकअप निकल जाता है, बहुत सारा मतलब. और जब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ तो भाई साहब देखने लायक होता है वो, इतना पोता होता है पूरा निकल जाता है वो. सो या ओके गाइज, दिस इज माय फाइनल लुक. मैं अभी जूड़ा उस वो लगा दूँगी, जूड़ा नेट अपने बालों में. लेट मी फिक्स इट. होता है दिस इज माई जूड़ा, दिस इज माई फ्रंट हेयर स्टाइलिंग. ये क्लिप्स को हटा दूंगी मैं अभी. ओके दिस इज माई फ्रंट हेयर स्टाइलिंग एंड दिस इज माई मेकअप. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यस देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.